आज मैं आपसे इस वीडियो में हमारी हेल्थ कैसे इमोशन से प्रभावित होती है इसके बारे में डिस्कस करूंगा। जबकि हम सभी लोग हेल्दी रहना चाहते हैं तो फिर हम बीमार क्यों पड़ते हैं, और इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है स्ट्रेस। आज मैं इस बारे में एक रिसर्च आपसे शेयर करूंगा जिसमें ये पता चलता है कि कैसे स्ट्रेस हमारी सेल्स लेवल पर बदलाव लाता है। पहले आपको पता चलेगा कि कैसे इस स्ट्रेस का इफेक्ट हमारी कोशिकाओं पर और फिर लोगों के स्वास्थ्य पर कैसे पड़ता है। रिसर्चर्स ने एक शोध में सेल्स को एक पेट्री डिश में रखा और इसको दो भागों में स्प्लिट कर दिया, दो डिशेस में। इसको इस इमेज के द्वारा समझाना चाहूंगा। एक सेट में सेल्स के सामने न्यूट्रिएंट्स रखे गए और दूसरे सेट में सेल्स के सामने टॉक्सिन्स रखे गए, और इनको वापस इनक्यूबेटर में रख दिया गया। और कुछ टाइम के बाद जब वापस इनको निकाला गया ये पता करने के लिए कि कोशिकाएं दोनों डिशेस में कहां होंगी, तो इस एक्सपेरिमेंट में यह सामने आया कि जिस डिश में न्यूट्रिएंट्स रखे गए थे उस डिश में सेल्स पॉजिटिव सिग्नल्स पाकर न्यूट्रिएंट्स की तरफ चले गए एज अ पॉजिटिव ग्रोथ सिग्नल्स, और दूसरी डिश जिस डिश में सेल्स को टॉक्सिन्स के साथ रखा गया था उस डिश में सेल्स उनसे दूर हो गए एज हैविंग थ्रेटनिंग नेगेटिव सिग्नल्स। इस एक्सपेरिमेंट से यह पता चला कि जब सेल्स हम कुछ ऐसा महसूस करती है जिससे उसको ग्रोथ मिल सकती है तो वो उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन अगर सेल्स किसी टॉक्सिन्स के को देखती है तो वो उससे दूर भागती है और अपने आप को बंद कर लेती है। सेल्स एक समय में बंद और ओपन नहीं हो सकती, सेल्स एक समय में फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी मूव नहीं कर सकती। कंक्लूजन ये है, सेल्स एक समय में या तो ओपन हो सकती है या क्लोज हो सकती है। सेल्स एक समय में या तो ग्रोथ कर सकती है या अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है, लेकिन सेल्स सेम टाइम पर दोनों काम नहीं कर सकती। सो इन समरी, सेल्स मूव टू पॉजिटिव सिग्नल्स व्हेन दे आर इन ग्रोथ, वो पॉजिटिव सिग्नल्स की तरफ अट्रैक्ट होती है, एंड सेल्स विल मूव अवे फ्रॉम नेगेटिव सिग्नल्स, वो उनसे रिपल्स्ड होगी और उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेगी। और इस तरह से ह्यूमन में भी होता है, हमारा माइंड उस समय हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को परसीव करता है, उसका पता लगाता है। अगर उसको लगता है कि वो किसी थ्रेटनिंग सिचुएशन में है तो माइंड सेल्स को सिग्नल भेजता है कि ये एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं है, और जो सिस्टम ये सिग्नल भेजता है उसे कहते हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सेस। हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट होता है जो परसेप्शन को इंटरप्रेट करता है। जब हाइपोथैलेमस स्ट्रेस को इंटरप्रेट करता है तो वो पूरी बॉडी को सिग्नल भेजता है कि समथिंग इज गोइंग ऑन, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड 50 ट्रिलियन सेल्स को सिग्नल भेजता है, लेकिन अगर कोई थ्रेट परसीव होता है तो वो एड्रिनल ग्लैंड्स को सिग्नल भेजता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन एड्रिनल ग्लैंड का होता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, और तब एड्रिनल ग्लैंड स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में रिलीज करता है। और जो सबसे पहला काम जो स्ट्रेस हार्मोन्स करते हैं वो ये है कि वो ब्लड को प्रिफरेंशियली हाथ और पैरों में भेजने लगता है। और वो हाथों और पैरों में क्यों भेजता है, वो इसलिए ताकि आप लड़ पाए या भाग पाए। अगर ब्लड प्रिफरेंशियली आर्म्स और लेग्स में जाने लगता है तो ये सवाल आता है कि इससे पहले वो ब्लड कहां सप्लाई हो रहा था। आंसर है कि वो पहले विसेरा में सप्लाई हो रहा था। विसेरा का क्या काम होता है, इसका काम होता है ग्रोथ, हेल्थ एंड मेंटेनेंस। इसको लॉजिकली समझिएगा कि जब ब्लड विसेरा से निकल जाता है तो हमारी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस की एबिलिटी पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसकी एबिलिटी डाउन हो जाती है। इट मींस जब हम प्रोटेक्शन वाली सिचुएशन में होते हैं तो हमारा ग्रोथ फंक्शन शट डाउन हो जाता है।
तो जैसा कि इस वीडियो के स्टार्ट में आपको ये समझाया गया था कि सेल्स सेम टाइम पर दो काम एक साथ नहीं कर सकते, वैसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी सेम टाइम पर दो फंक्शन एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकती। या तो उस वक्त बॉडी प्रोटेक्शन मोड में होगी या फिर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस फंक्शन करेगी। कुछ लोग ग्रोथ से मेरा मतलब बेबी से एडल्ट होना समझ रहे होंगे, पर असल में ग्रोथ हर एक का कॉन्सेप्ट है, भले आप किसी भी एज में क्यों ना हो। और इसका रीजन ये है कि हमारी सेल्स हर रोज मरती है, और वो भी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स। उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि लाइनिंग ऑफ द गट हर 3 दिन में नए सेल से रिप्लेस होती है। इसी वजह से कीमोथेरेपी बहुत ही टॉक्सिक होती है, क्योंकि कीमोथेरेपी डिवाइडिंग सेल्स को नष्ट कर देती है, फिर भले वो कैंसर सेल्स हो या नॉर्मल सेल्स। इसी वजह से जो लोग कीमोथेरेपी पर होते हैं उन्हें डाइजेशन से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। उनके बाल सारे गिर जाते हैं और स्किन भी ठीक से ग्रो नहीं होती। तो अगर आपकी जिंदगी स्ट्रेस से भरी हुई होगी तो ज्यादातर आपकी बॉडी फाइट और फ्लाइट हॉर्मोन्स बनाने में लगी रहेगी, और इसी वजह से बॉडी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस पर असर पड़ेगा, और हम ज्यादा बीमार पड़ेंगे या किसी न किसी हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे होंगे। स्ट्रेस के समय हम सेल्स को नॉर्मल रेट पर बॉडी में रिप्लेस नहीं कर पाते। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट इफेक्ट स्ट्रेस का हमारी बॉडी पर जो पड़ता है वो ये है कि जब हमारे हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड में जाते हैं और फिर वहां से एड्रिनल ग्लैंड, तो वो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है। और जैसा कि पहले बताया गया था कि स्ट्रेस हार्मोन्स प्रीफरेंशियली आर्म्स और लेग्स में ब्लड सप्लाई करता है, तो वो बॉडी की सारी एनर्जी प्रोटेक्शन फाइट और रन के लिए छोड़ देता है। इस वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में बाकी सारे फंक्शंस को शट ऑफ कर देता है, जिनकी लड़ने या भागने में जरूरत नहीं होती। इस पूरे वीडियो का मैसेज, इस पार्ट को अब आप बहुत ध्यान से समझिएगा। एनर्जी का बॉडी में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है वो है इम्यून सिस्टम को फंक्शन करना। अब इसको जरा लॉजिकली समझिएगा कि जब हमारी बॉडी में कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो स्ट्रेस हार्मोन्स उस समय इम्यून सिस्टम का वो शट डाउन कर देगा। स्ट्रेस हार्मोन्स शट ऑफ द इम्यून सिस्टम। आजकल हर कोई किसी ना किसी बीमारी या इंफेक्शन से इफेक्टेड है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड सैंपल लिया जाए तो उसमें बैक्टीरियास, पैरासाइट्स, जर्म्स या वायरसेस पाए जाएंगे। हो सकता है आप कहें कि हम अगर इन्फेक्टेड हैं तो फिर हम बीमार क्यों नहीं पड़ते। इसका कारण ये है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो वो इन पैरासाइट्स, जर्म्स, वायरसेस से वो सप्रेस कर देता है। लेकिन जिस मोमेंट पर हम अपना इम्यून सिस्टम शट ऑफ कर देते हैं तो ये जर्म्स, पैरासाइट्स, बैक्टीरियास फिर से ग्रो करने लग जाते हैं। स्ट्रेस के समय हमारा इम्यून सिस्टम शट ऑफ होते ही इन ऑर्गेनिजम्स को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है टू मेक द डिजीज, और जब हमें वो डिजीज हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें कुछ मेडिसिन देते हैं उन बैक्टीरियाज और जर्म्स को खत्म करने के लिए। और ये मेडिसिन बहुत ही जरूरी होती है जब ये डिजीज बहुत ही तेजी से ग्रो हो रही हो। लेकिन प्राथमिक तौर पर देखा जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि स्ट्रेस की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम शट ऑफ हो गया था, इसलिए स्वस्थ होने के लिए डिजीज को ट्रीट करना पड़ेगा। पर स्ट्रेस पर भी काम करना उतना ही जरूरी होता है। सो नाउ वी हैव टू प्रॉब्लम्स विद स्ट्रेस। पहली, इट शट ऑफ द ग्रोथ। सेकेंड, इट शट ऑफ द इम्यून सिस्टम। इसके अलावा जो तीसरी प्रॉब्लम खड़ी होती है वो है एडिंग मोर स्ट्रेस। जैसा कि पहले समझाया गया था कि स्ट्रेस हार्मोन्स गट में ब्लड वेसल्स को स्क्वीज कर देता है, जिससे कि ब्लड का सप्लाई आर्म्स और लेग्स की तरफ बढ़ जाता है। इसके अलावा
ये ब्लड ब्रेन के तरफ भी तेजी से बढ़ता है और वो ब्रेन के फ्रंट में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको भी स्क्वीज करने लगता है, जिससे कि हमारी कॉन्शियसनेस पर इफेक्ट होता है और हम अपने विवेक का इस्तेमाल कम कर पाते हैं या ब्रेन का लॉजिकली फुल यूटिलाइज नहीं कर पाते, एग्जाम्पल डिसीजन मेक करने में या बिहेवियर या रिस्पॉन्स एक्सेट्रा। इससे ये पता चलता है कि स्ट्रेस हमें कई तरीकों से इफेक्ट करता है और सभी का रिजल्ट सेम होता है, शटिंग डाउन योर लाइफ। इन सब से हमें ये पता चलता है कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिससे कि हमारी वेलनेस प्रभावित होती है और हमें डिजीज होती है। ये बात हमें समझनी होगी कि हम इस स्ट्रेस को अपनी लाइफ का हिस्सा बनने देने से कैसे रोक सकते हैं। सिर्फ स्ट्रेस को हटाना ही नहीं बल्कि हमें लव और जॉय को भी इंक्लूड करना होगा, जो कि हमारी ग्रोथ में सहायता कर सकता है। इसलिए स्ट्रेस ही अकेला प्रॉब्लम नहीं है बल्कि हमें हैप्पीनेस, जॉय और लव को भी इंक्लूड करना होगा अपनी लाइफ में। थैंक यू।